Hi friends, welcome again to my channel Technical Today. And आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने आप को disappear या फिर बोल सकते हैं vanish कर सकते हैं एक बहुत ही simple trick से काइन मास्टर में. तो चलिए मैं आपको play करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे होता है. तो जैसे कि आपने देखा कि कुछ जगहों पे मैं डिसअपीयर हो रहा हूँ, तो ये ऐसे हुआ. सॉरी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसके पीछे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको खोल रिकॉर्डिंग करी हुई क्लिप डाउनलोड करनी है, मतलब डाउनलोड बोल रहा हूँ, अपने मीडिया ब्राउजर में अपलोड करना है. पहले मैं सभी डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ करना कैसे है. ठीक है, तो हम मीडिया ब्राउज़र में जाते हैं. मतलब यहाँ से एक क्लिप अभी शूट किया था, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ. तो ये है वो फुल क्लिप. तो ये तो मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ. तो ये यहाँ से है मेन, जो पहले हम इसको ट्रिम कर लेते हैं. ये पहले वाला जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं. तो एग्जैक्ट हम इसी लोकेशन से लेते हैं इसको, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं. स्प्लिटेड पे हेड इसको डिलीट कर देते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं आ रहा हूँ. ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो क्लिप है, यहाँ से जो ब्लैंक क्लिप है, इसको हम लेते हैं यहाँ से. सॉरी, इसको हम कट करते हैं. ठीक है, यहाँ से इसको और एक पोर्शन कट कर लेते हैं. इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं. अभी इसको प्ले करके देखते हैं हम लोग. अभी तो मुझे अपने को टर्न होते ही डिसअपीयर करना है. जैसे मैं टर्न होता हूँ, इस पोस्ट में डिस्प्ले करना है. इस पोस्ट में डिस्प्ले करेंगे, इसको हम यहाँ से जो है इसको हम स्प्लिट हेड, इसको यहाँ से हम स्प्लिट कर लेते हैं. तो यहाँ से हमने इसको स्प्लिट कर लिया. तो अभी क्या करना है हमको, जो ब्लैंक हमने जो कॉपी किया था वहाँ से कट करके, जो हमने निकाला उसको अलग से निकाला था, उसको हम मूव करेंगे यहाँ पर ला के. तो ये बीच में ब्लैंक पोर्शन आ गया है, और इसको हम यहाँ से इफेक्ट देंगे. जो बीच में आप ब्लॉक देख रहे हैं, दो डिवीजन के भी, दो वीडियो के बीच में एक डिवीजन है, हम उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स पर के मेन्यू ओपन होता है. आप उसको, उसमें थर्ड ऑप्शन जो है क्लासिक ट्रांजिशन, उसको क्लिक करिए. तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्रॉस फेड, आप उसको क्लिक करिए. क्योंकि सेटिंग आप बढ़ा दीजिए यहाँ से क्लिक करके, उसको आप 2.5 तक कर सकते हैं. तो मैंने 2 रखा हुआ है, 2.5 कर लेते हैं. चलिए ठीक है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से शुरू से. तो आप इफेक्ट देख लीजिए एक बार. तो ये एंट्री होती है, तो मैं टर्न होता हूँ, तो मैं जो है डिसअपीयर हो जाता हूँ. ठीक है, तो वापस आते टाइम भी हमको ये करना है. को यहाँ से सेकंड ब्लॉक के लिए भी आपको जो इफेक्ट है वो क्रॉस फेड देना है, सेटिंग आपको. तो इसको आपको क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से को बढ़ा दीजिए. तो यहाँ से आपका क्रॉस फेड का भी जो है वो सेटिंग्स बढ़ जाएंगी. इसको आप 2.0 रख लीजिए, नहीं तो 2.5 रख लीजिए. ठीक है, तो देखिए तो वापस आ गया. तो अभी जो मैंने लास्ट में जो किया, चलते चलते वो सेम एज इट इज़, इसको भी ऐसे ही करना है.
आपको वीडियो को डिवाइड करना है और बीच बीच में एक ब्लैंक एरिया शूट करके डालना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।